लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ विकी आओ, वेलकम डार्लिंग। उस हरामजादे 2% के वकील ने भरी बस्ती में मेरे डैडी की इंसल्ट कर दी और तुम दोस्त लोग खड़े मुंह ताकते रह गए। अर्गेस नहीं, हमें तो तुम्हारे डैडी ने रोक लिया था विकी। वरना विकी के दुश्मन अक्सर घरों में नहीं अस्पतालों में पड़े मिलते हैं और इस बार मिस्टर अरुण वर्मा साहब का भी अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ गीता, अरुण बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? वो बोरेवली टेलीफोन बूथ से। माथुर साहब कहाँ हैं? वो बाथरूम में हैं। उनसे कहना थोड़ी देर घर पे आ जाएं। माँ को समझाना था कि वो अरुण की आंखों में पट्टी कैसे बांधी जाती है। मिस्टर अरुण वर्मा, पहचान सकते हो कौन आदमी है? बता दो पुलिस स्टेशन जाकर ये कौन है। हम देख रहे हो ना, अकाल से दुश्मनी का यही जवाब है। अरुण, ये कौन सी आवाज है? अरुण, ये क्या हो रहा है? चीजा जी प्लीज जल्दी आइए ना, जरा देखिए तो क्या हो रहा है। दो साले को किसी अस्पताल के सामने। डॉक्टर साहब, मैं भैया के पास ही रहूंगी। व्हाट इज दिस कोमल, देखो बच्चों की तरह जिद नहीं करते, तुम्हारे यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। यस। ठकराल साहब ने ये फूल भेजे। थैंक यू। Cheers, Jagatha! What a grand party! In the honor of Mr. Thakral! जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हें समझाने का यही एक तरीका था। करेक्ट करेक्ट। मुझे तुम्हारी मौत नहीं, जिंदगी चाहिए ठकराल, ताकि मैं तुम्हारे हर किए का जवाब दे सकूं और मेरा हर जवाब तुम्हारे सवाल के मुताबिक होगा। गुड नाइट। तूने डैडी को देखा तो नहीं? नहीं यार, मालूम नहीं कहां। दरवाजा खोलो। कहां है डैडी? शकीर! डैडी आपकी आवाज सुनाई दे रही मगर आप दिखाई नहीं दे रहे। अरे उल्लू के पट्टे में यहाँ हूँ। अंकल आप है कहाँ? अरे हराम दादा, मैं अंदर हूँ। अंदर कहाँ डैडी?
अरे इस कपड़ के अंदर कब धरी अंकल आप रुकिए मैं चाबी लेकर आता हूँ अरे कुत्ते के बच्चों जब तक तुम चाबी लेके आओगे मेरे अंदर जान निकल जाएगी छोड़ यार चाबी तोड़ धरी बस्टर इम्तिहान ले रहा हूँ नहीं नहीं विकी प्लीज डोंट विकी बोलो तुम प्यार करती हो नहीं लवली विकी प्लीज स्टॉप विकी मुझे डर लग रहा है रोक दो प्लीज विकी कहाँ जा रहे हो ब्रेक कर बोलो विकी जब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम नहीं कहती कि मुझसे प्यार करती हो विकी मुझे डर लग रहा है प्लीज रोक दो विकी प्लीज रोक दो मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार लेकिन बोलते क्यों नहीं बहुत बुरे हो तुम अरे रामू हाँ साहब आज कहाँ है जी वो ऊपर वाला कमरा में है कोमल भी नजर नहीं आई वो कहाँ है ये उनका भी फोन आया था कि वो देरी से आएंगी अब बस I'm tired Vicky alright कोमल तुमसे मिलने से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि true love क्या होता है मुझे कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी तुम इस टेबल पे बैठी कैसे मैं इस टेबल पर यहाँ इसलिए बैठी हूँ ताकि तुम किसी और मासूम की जिंदगी बर्बाद न कर सको क्या था पैसे वेटर मैनेजर को बुलाओ कोमल ये मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुका है अब ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न करते शट अप पैसे मैं तुम्हें इसके वो लव लेटर दिखाऊंगी जो इस धोखेबाज ने मुझे लिखे थे कोमल तुम पढ़ोगी तो तुमने अगर कोमल को भड़काने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा समझी विकी ले जाओ इसे कोमल वो कोमल सुनो तो मुझे नहीं बनना है पागल तुम मुझे पागल करके जा रही हो हाँ विकी समझ गया तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता है कोमल तुम्हें मेरे डैडी से मिलना होगा अभी इसी वक्त तुम अरुण वर्मा की बहन हो जी हाँ तुम दोनों शादी करना चाहते हो हाँ डैड बस आपका आशीर्वाद चाहिए कुमार आऊं छोड़ डैडी के गॉड ब्लेस यू गुड गुड वेरी गुड मिस्टर अरुण वर्मा अकेले खेल रहे हैं आप अच्छा अच्छा अकेले खेलने में कम से कम हारने का डर तो नहीं होता मुझे तो कभी भी हारने का डर नहीं है ठगराल साहब सही फरमा रहे हैं आप क्योंकि अब आप ओछी हरकतों पर उतर आए मतलब आप जानते हैं कि मेरा एक ही बेटा है और मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करना और वो भी अपनी बहन के जरिए ठगराल मैंने दुश्मनों की घटिया से घटिया हरकतें देखी हैं मगर इतनी गिरी हुई नहीं खैर अब ये खेल तुम्हारे हाथ में है द बॉल इज इन योर कोर्ट सच्चाई से मुंह फेर लेना बेवकूफी है और सच्चाई यही है कि मैं विकी से प्यार करती हूँ कोमल वो एक नंबर का बदमाश है गुंडा है कमीना है भैया विकी को गाली देने का मतलब मुझे गाली देना है कोमल अरुण ये क्या हो गया है तुम्हें पूछो इससे क्या हुआ है पूछो तुमने अगर कोमल को मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा और
जिस दिन मैंने यह फैसला किया उस दिन तुम्हारा बाप भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा, ये याद रखना। अरुण वर्मा ने यह थप्पड़ तुम्हें नहीं, डीडी ठकराल के बेटे को मारा है। उसकी बहन तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो सकती है विकी? हो सकती है डैड। गुड, बाद में जो होगा मैं देख लूंगा, मगर ऐसा हो जाए तो अरुण वर्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कोमल में अगर बचपना है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी बच्चे बन जाओ। अरुण, तुम जरा समझ से काम लो, घर में मांझे हैं, उनके सामने कोई हंगामा हो तो ये बात ठीक नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि गीता उसे यहाँ ले आई। और उसे दो चार दिन यही रहने दो, हम लोग उसे समझाएंगे। हाँ समझाइए उसे, और ये भी समझाइए कि मैं अपने दुश्मनों से तो लड़ सकता हूँ, मगर जब अपने ही साथ छोड़ दे तो। हेलो, किससे बात करनी है आपको? कोमल, मैं विकी बोल रहा हूँ। विकी, तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जब कोई किसी से प्यार करता है कोमल, तो उसे कहीं भी ढूंढ निकालता है। And I love you, कोमल। I love you। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जहर खा लूंगा। ऐसा मत कहो विकी, नहीं, I love you। तो फिर हमारे सामने एक ही रास्ता है, आज रात कहीं भाग चलते हैं, भाग कर ही शादी कर लेंगे। क्या? देखो मैं जैसा कहता हूँ वैसा सुनो कोमल, प्लीज प्लीज, वरना कह दो कि तुम अपने भाई से डरती हो। मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती, तो उनसे क्यों डरूं? That's my girl। लेकिन कल हमारी शादी हो जाएगी ना विकी? मैं आज रात 9:30 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तुम गेट पे रहना, ओके? आ जाना तुम। हाँ गाते हैं दोनों। डॉक्टर साहब, उन्हें सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अरुण बाबू इतना समझ लीजिए वो 15 साल बाद सो के उठी है, आप उनसे मिल सकते हैं, जाइए। वह हौसला ही तो था जिसने मुझे जिंदा रखा। माँ, कितना अच्छा लगता है सुनने में, फिर से कहो। माँ, कोमल कहाँ है? अरे कोमल, अरे कोमल उसे तो पता ही नहीं है। वहां वो मैं मातृ साहब के घर पर है, तुम आराम करो, मैं अभी लेकर आता हूं कोमल को।
उसे पता चलेगा वो कितनी खुश होगी मां। ठहरो कोमल, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। विकी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, वो नाक तुम्हें भी डस लेगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम विकी को उतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ उसे। ये खत मुझे विकी ने लिखे है कोमल। पिछले साल सिर्फ उसी की वजह से मुझे पूना जाना पड़ा है भाषण के लिए। ये लो उसकी झूठी मोहब्बत भरी हुई खत। ये मुझे दे। वापस कर दो ये खत मुझे। वापस कर दो इन्हें। छोड़ दो। विकी ये सब क्या है? कोमल तुम इस नीच की बातों में मत आना, ये सब इसकी चाल है। नहीं कोमल, तुम इसके साथ कहीं मत जाना। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। नहीं विकी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं कोमल। विकी पुलिस को फोन करना चाहिए। ये साहब गुप्ता जी हैं? जी हाँ गुप्ता जी, एक ही सहारा था बेटी का, वो भी चली गई। अरुण वर्मा जी, तुम वही अरुण हो? हाँ गुप्ता जी, मैं वही अरुण। एक दिन आप हमारे लिए ठकराल से लड़े थे, अब मैं आपके लिए ठकराल से लड़ूंगा। सच और झूठ की इस जंग में इस बार वो हारेगा। मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन डैड, मुझे वहां उन दोनों लोगों ने देखा है। देखा है तो मैं उन्हें अदालत में देख लूंगा। तुम जीडी ठकराल के बेटे हो विक्रम, कोई मजाक नहीं। जस्ट रिलैक्स, ओके? ठकराल साहब, मुलाकात के वक्त पूरा हो गया। इंस्पेक्टर भोसले जी, ये मेरा बेटा है, जरा ख्याल रखिएगा। आप बेफिक्र रहिए, हम एक दूसरे का ख्याल रखें। दुनिया ऐसे ही चलती है इंस्पेक्टर भोसले। सी यू। कौन साहब? गुड इवनिंग मिस्टर ठकराल। तुम यहां कैसे? यह बताने आया हूं कि इंदु गुप्ता के खूनी विक्रम ठकराल के खिलाफ सरकारी वकील की हैसियत से मुकदमा मैं लड़ने वाला हूं। तुम्हारे जोश और तुम्हारी मासूमियत पर मुझे तरस आता है, लेकिन जिस दिन अदालत में तुम मेरे सामने आ गए, ये सारा घमंड हमेशा के लिए भूल जाओगे। मुझे भूलने की आदत नहीं है मिस्टर ठकराल, इसलिए तो सब कुछ याद है।
याद है मुझे, फांसी की सजा सुन के एक निर्दोष का घबराया हुआ चेहरा, अंधेरे घर के सन्नाटे में उसकी पत्नी की आवाज, मुझे सब याद है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बात कर रहा हूं उस दीपक वर्मा की, जो आपके बेरहमी के हाथों फांसी के तख्ते पर मर गया, उस आरती की जो आपकी संदली के कारण 15 बरस तक एक पागल खाने में जिंदा लाश की तरह रही, मैं उन्हें की बात कर रहा हूं। तुम उन दोनों को कैसे जानते हो? मैं उन दोनों का बेटा हूं ठकराल साहब। जिंदगी बहुत अजीब है ठकराल साहब, शतरंज के मोहरे वही हैं, मगर बाजी पलट चुकी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? आपको एक मशवरा देना चाहता हूं मिस्टर ठकराल, बिल्कुल मुफ्त। अपने बेटे से कहिए अपने जुर्म का इकरार कर ले, उसे तो हर हाल में फांसी होनी है। कम से कम आप मेरे हाथों एक मुकदमा हारने की बेइज्जती से तो बच जाएंगे। गुड बाय मिस्टर ठकराल।